ये रोजा हमारी का मामबरी सरकार का हाजिरी दे दी हम और अब ऊपर जाने लगे हम उनकी चिलका जो है उस तरफ, तो उधर का सफर अब स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप लोग सब, खैरियत से हैं? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो इस्लामाबाद का है और हम इसमें व्लॉग में मामबरी सरकार आए थे, वहाँ पे हाजिरी दी है और अब हम आगे उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मामबरी सरकार ने चिल्ला काटा था और उसको जो है वो लोहेदंदी के नाम से मशहूर है। अभी रास्ता यहाँ पे थोड़ा बन गया है, पहले बिल्कुल कच्चा रास्ता था और पैदल जाना पड़ता था ऊपर तक, लेकिन अभी जहाँ तक हम आए हैं वहाँ तक जो है वो रास्ता है। हमने जाना है सामने उस पहाड़ पर, सामने नज़र आ रहा है और ये रास्ता है जो हम अभी जा रहे हैं, हमने जाना है वो सामने। हम पैदल मार्च करेंगे यहाँ से, वो उस पहाड़ पे जाना है, रास्ता काफी ज्यादा है, आगे का सारा पैदल रास्ता है और बाइक हमने उधर खड़ी कर दी है, तकरीबन पैदल अगर कंटिन्यूसली जाया जाए तो हार्डली जो है वो घंटा एक लग जाएगा, घंटा डेढ़ अगर आप कंटिन्यूस जाएं तो। ये पैदल का रास्ता है, हम निकल पड़े अभी तो तकरीबन 10% ही हुआ है रास्ता और बस हो गई है, अभी सीधी चढ़ाई है। अभी मैं रास्ते में दुकानें भी आ रही हैं खाने पीने की और अभी हमने पहाड़ पे जाना है ऊपर और धूप भी बहुत तेज़ हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल और ये मेरे साथ है हमाद भाई। इस वक्त इनकी भी बस हो गई है क्योंकि आज गर्मी भी कुछ ऊपर लेवल की है और अभी वैसे हमने बंदर देखे नहीं है लेकिन मैं पहले काफ़ी बार आया हूँ, यहाँ पे बंदरों की कसीर तादाद पाई जाती है, सामने से बड़ी तेज़ी नस्ल दर नस्ल अब पाई जाती है उनके और गर्मी का एक अपना ही लेवल बना हुआ है यहाँ पे। और मुझसे ज़्यादा आतंक, मैं शदीद बीमार था, मैंने भी बूस्टर डोज ली है और मुझसे ज़्यादा बस ये हमाद की बीवी है। बाकी आगे जाके आपको अपडेट देते हैं और आपको एक बड़ा प्यारा व्यू भी दिखाएंगे जहाँ से लेक व्यू बिल्कुल पाँव में नज़र आती है, मतलब उसका सारा पानी ना आसानी से देखा जा सकता है। अभी आधा रास्ता हुआ है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ और हालत बुरी हो गई है चढ़ चढ़ के, ऊपर ऊपर बहुत अच्छे व्यू हैं और यहाँ पे हालत बुरी हुई है। रास्ता बना हुआ है सीधा सीधा पक्का पक्का है लेकिन स्ट्रेट चढ़ाई है ऊपर तक, ये ऊपर है पहाड़ पे एरिया जहाँ तक हमने जाना है जो चिल्ला का है और ये सारा व्यू है। और अभी हम तकरीबन आधे रास्ते में पहुँच गए और ये इस्माइल भाई जो हैं उनकी बस हो चुकी है, ये कह रहे हैं कि बस तबीयत खराब थी उसके बाद भी यहाँ तक है, आज गर्मी भी नेक्स्ट लेवल पे हो रही है, आज मैंने शूज भी उतार दिए शदीद है, शूज भी उतार दिए और फिलहाल शूज कपड़े वगैरह सब कुछ उतर चुका है, नंगे पाँव मार्च हो रही है फिलहाल, नंगे बदन नहीं है नंगे नंगे पाँव मार और हमने जाना है ये पीछे इस व्यू पे। ये देखें ऊपर हम आ गए और ये बंदा यहाँ पे ये चेक करें, अली
जो सारा एरिया है ये बेसिकली रावल डैम और रावल लेक दोनों को प्रेजेंट करता है, और यहाँ से हम चढ़ते हुए ये नीचे मज़ार वगैरह हैं, इसके बाद यू और वहाँ पे हमने जाना है। हमाद भाई की फ़िलहाल बिल्कुल बस हुई भी है और सेकंड मैंने भी अपने जूते उतार दिए हैं, बस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हाइट है, और सेकंड ये है कि आज गर्मी भी अपने नेक्स्ट लेवल पे है, और आगे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे अगर हमाद भी दोबारा थक के रुके ना तो। चिल्लगा से हम हुए हैं, अब वापसी का सफ़र बांधा है हमने और बहुत हाइट पे। बेसिकली वहाँ अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, वरना फोटोज और वीडियोस बनानी थी, कुछ वहाँ पे ड्यूटी पे मामूर अपराध, उन्होंने कहा था कि वीडियोस नहीं बनानी। ये देखें ये व्यू है यहाँ का, कैसा व्यू है। हम लगे हैं वापस जाने और मोबाइल जेब में आपने बताना है, कोई चौकस हो गए ये छीन लेते हैं मोबाइल। तो बेसिक इनको यही होता है कि हाथ में जब भी देखते हैं कोई चीज़ तो समझते हैं कि खाने की चीज़ है। अभी हमारे भाई के हाथ से वो बोतल पानी की ले गया, अभी मैं ये सोच रहा था कि पानी हमने कहाँ से पीना। हमारे भी लेफ्ट राइट देख रहे हैं कि ये ना मोबाइल का, हाथ में पानी की बोतल थी, तो 3-4 बंदर आए हैं इकट्ठे, उन्होंने अटैक करने के लिए हमारे भाई को यार कमाल बना के मैंने हाथ ऊपर किया और बोतल उनके हवाले मैंने कहा इससे पहले कि ये कुछ और लेके जाएं पानी की बोतल दे दो, पानी की बोतल। तो अब हम वापस जाने लगे और ये आगे तो सीढ़ियां हैं, जो ये सीढ़ियां बना दी हैं, क्योंकि काफी डिफिकल्ट रास्ता था जहां से अक्सर हम लोग आते थे और चढ़ने में बड़ी, ये पथरीला इलाका है बिल्कुल, यानी ये पत्थर है पहाड़ था, इन्होंने प्रॉपर एक इसको सीढ़ियाँ बना के साइड पे ग्रिल लगा दी ताकि अगर कुछ छोटे बच्चे भी साथ आए तो कम से कम कोई हादसे का शिकार ना हो। और ये नीचे दरबार हैं जो इमाम बरी सरकार के मुरीद वगैरह थे और उनके अहलो याल हैं, उनके दरबार शरीफ हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएँ कि आपको कैसी वीडियो लगी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़ अना से। और ये हम वापस लाहौर आ गए, लाहौर से निकले थे जुमे वाले दिन, अल्हम्दुलिल्लाह वापस लाहौर आ गए। और इसी के साथ हमारा जो है वो होता है ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।